जय भारत टू ऑल अद्वैतियंस। माई सेल्फ हर्ष शाह एंड आई एम अ मैथ्स टीचर एट अद्वैत विद्या निकेतन भरूच। होप सो यू ऑल आर वेल एंड सेफ इन दिस COVID-19 सिचुएशन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो कोई भी चैप्टर है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज वी विल स्टार्ट एनी ऑफ चैप्टर विथ NCERT लेवल, मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे NCERT लेवल से और स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक जाएंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज योर कंटेंट लेवल, सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, सिर्फ कंटेंट लेवल जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर कंटेंट आपका कंप्लीटली क्लियर है बट अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा कि आप हर एक क्वेश्चन जो है वो अटेंड नहीं कर पाओगे और जो है वो आपके मार्क्स जो है वो आप कंप्लीट मार्क्स तक नहीं पहुंच पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पॉसिबली शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड जो है सॉल्व करने के लिए आपको डिलीवर करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो वॉट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो राइट एंगल ट्राइंगल्स, आपको पता ही है कि वॉट इज राइट एंगल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज 90 degree कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सो नेक्स्ट थिंग इज वॉट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसके बीच का रिलेशन दिखा रहा है? एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, सो नेक्स्ट, अगर जो है आपने कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो है वो कौन सा थियोरम आएगा? दैट इज पाइथागोरस थियोरम। ओके, सो पाइथागोरस थियोरम जो है ये इसका स्टेटमेंट जो है वो हम देखने से पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं? सो वन इज 90 degree एंगल। नेक्स्ट, साइड ऑपोजिट टू 90 degree एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस विच इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, यू कैन से इट इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 degree एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी एंड दैट इज नोन एज हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट इट इज नोन एज बेस। ओके, एंड द हाइट इज नोन एज अल्टीट्यूड। ओके, सो यहां पे बेसिकली कितने पार्ट हमें मिले? फर्स्ट वन इज हाइपोटेनस। So hypotenuse is the longest side of right triangle. Next one, base and altitude. Okay. Next thing, एक property तो common है कि एक angle जो है वो 90 degree होगा। Second property जो है वो क्या है कि बाकी के जो दो angle होंगे वो always कौन से angle होंगे? Acute angles. Acute angle का meaning क्या है? Angles which are less than 90 degree and more than 0 degree are known as एक्यूट एंगल्स। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के जो दो एंगल्स है वो ऑलवेज कौन से होंगे? एक्यूट एंगल्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के टॉपिक में इसका यूज होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ पाइथागोरस थियोरम। वॉट इज पाइथागोरस थियोरम? सो पाइथागोरस थियोरम जो है इसमें हमें स्टेटमेंट क्या मिल रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस square of hypotenuse is always equal to sum of square of other two sides, or you can say square of longest side is equal to sum of square of other two sides. तो यहां पे अगर हम notation ले रहे हैं that is a b and c. okay, we are taking triangle abc in which b is right angle. So hypotenuse कौन सा होगा? AC. Hypotenuse will be AC. So यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? Square of hypotenuse
means square of longest side is equal to sum of squares of other two sides. Other two sides are AB and second one is BC. Okay. So, according to Pythagoras theorem, sum of square of the sides which forms right angle is always equal to square of hypotenuse. Okay. बट यहां पे आपको जो है वो एबीएसी के फॉर्म में जो है इसको याद नहीं रखना है. आपको जो है वो कौन से फॉर्म में याद रखना है, स्टेटमेंट, या फिर आपको ऐसे याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. क्योंकि यहां पे एबीसी जो है इसमें बी राइट एंगल है. मान लो कि एबीसी की जगह पे अगर नोटेशन चेंज हो रहा है, अगर बी की जगह पे सी 90 डिग्री है, तो यहां पे इक्वेशन जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा. So you have to always remember that square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Okay. So next topic is trigonometric ratios. So what is trigonometric ratio? So हमने starting में discuss किया that trigonometry states relation between sides and angles of right triangle. So right triangle की sides and angle के बीच का relation जो है वो कौन सा फंक्शन दिखाता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए अगर नोटेशन लेना है तो हम लेते हैं कि ए बी सी, या फिर आप कोई भी नोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो. ओके, सो वी आर टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज 90 डिग्री. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम देखते हैं तो इससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर ले कि नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कितने. सो फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू 6. देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन. सो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका नाम है साइन, एस आई एन ई, बट इसका अब्रिविएशन फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे एस आई एन. काफी जगह पे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सीन थीटा भी होता है, कि ये जो साइन है इसके लिए प्रोनाउंसिएशन है थीटा. ओके, सो सीन थीटा और यू कैन से साइन थीटा. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ साइन थीटा. पहले हम ये देख लेते हैं कि थीटा जो है वो कौन सा पार्ट है. थीटा जो है वो कोई भी एंगल के लिए सिंबल है. ओके, थीटा इज स्टैंडर्ड सिंबल फॉर एनी एंगल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीटा ही आप यूज कर सकते हो. आपने फिजिक्स में भी काफी जगह पे देखा होगा कि एंगल के लिए आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई के पी एच आई फाई, इसका प्रोनाउंसिएशन है फाई. So, इसमें से कोई भी मतलब एंगल के लिए आप सिंबल जो है वो यूज कर सकते हो. तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज साइन थीटा. सो साइन थीटा जो है, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कि थीटा जो है वो कौन सा एंगल हम ले रहे हैं. ओके, थीटा जो है वो ऑलवेज कौन सा एंगल होगा, जो एक्यूट एंगल्स है ए एंड सी, इसमें से कोई भी एक जो है वो हम थीटा ले सकते हैं. सो वी आर के यहां पर देखते हैं कि Let's take A as theta. तो अगर A को हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है अगर हमें फाइंड करनी है, तो इक्वेशन जो है साइन थीटा के लिए होगा ऑपोजिट साइड के लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ओके, साइन थीटा के लिए इक्वेशन है लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट साइड जो है वो किसकी ऑपोजिट होगी, तो हमने थीटा जो है वो कहां पे लिया है, ए के पास लिया है. तो थीटा के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी. एबी जो है वो थीटा के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मतलब पास की कोई भी साइड. ओके, सो एबी विल बी एडजेसेंट साइड फॉर थीटा, बीसी विल बी ऑपोजिट साइड फॉर थीटा एंड ए सी विल बी हाइपोटेनस. तो अगर थीटा के लिए
एंगल ए के लिए हमें साइन फंक्शन जो है वो अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, ए के लिए ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ओके, सो दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ साइन थीटा. ओके, यहां पे जो है अगर आप थीटा जो है इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो कि थीटा जो है वो सी के पास ले लेते हो, तो साइन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सी के लिए साइन की वैल्यू होगी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, क्योंकि सी के लिए ऑपोजिट साइड जो है वो अभी कौन सी हो जाएगी, ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, दैट इज ए सी. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. इसके लिए इक्वेशन जो है वो आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, ए बी मतलब नोटेशन के फॉर्म में याद नहीं रखना है. ओके, क्योंकि थीटा की पोजीशन जैसे ही चेंज होगी नोटेशन चेंज होगा. ये दोनों केस में क्या होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. नेक्स्ट कोसेकेंट. कोसेकेंट जो है इसका अब्रीविएशन फॉर्म है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है. साइन थीटा हमें यहां पे क्या मिल रहा है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. तो यहां पे कोसेक की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड. ओके, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड, ये इसका पूरा रेसिप्रोकल हो गया. ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसाइन. ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसाइन एंड अब्रिविएशन फॉर्म इज कॉस. सो फॉर एनी एंगल थीटा its cos function will give you adjacent side, length of adjacent side upon length of hypotenus. Okay? So, यहां पे आप देख सकते हो इन दोनों में फर्क क्या है. साइन जो है वो हमें क्या दे रहा है, ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenus. इट इज रिलेशन बिटवीन ऑपोजिट साइड टू द एंगल hypotenus ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल थीटा. ओके, जहां पे भी हमने एंगल लिया है इन तीनों के बीच का ये रिलेशन है. नेक्स्ट कॉस जो है वो किसके बीच का रिलेशन है, एडजेसेंट साइड. इसमें फर्क आप देख सकते हो कि यहां पे ऑपोजिट साइड है, यहां पे एडजेसेंट. तो अगर हमने यहां पे थीटा लिया है, ओके, तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, दैट इज ए बी. ए बी इज एडजेसेंट साइड फॉर थीटा. तो यहां पे इसके लिए इक्वेशन जो है वो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए सी. सो नेक्स्ट वन, ओके, साइन थीटा के लिए भी अगर हमें इक्वेशन नोट करना है तो ये कौन से फॉर्म में होगा, ऑपोजिट इज बी सी, ओके, ऑपोजिट टू थीटा एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. सिमिलरली अगर यहां पे हमें अगर नोट करना है तो हाइपोटेनियस जो है वो क्या है, ए सी अपॉन ऑपोजिट साइड इज बी सी. ओके, नेक्स्ट वन इज सेकेंड. सेकेंड के लिए अब्रिविएशन फॉर्म है सेक थीटा. ओके, थीटा जो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे थीटा जो है वो सेक के साथ, थीटा जो है वो साइन के साथ या कॉस के साथ या कॉसेक के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. ओके, ये जो भी है साइन कॉस कॉसेक सेक, ये फंक्शन है किसके लिए, एंगल थीटा के लिए. ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है. सो नेक्स्ट इज सेकेंड और इसके लिए अब्रिविएशन फॉर्म है सेक. सो फॉर एंगल थीटा सेक फंक्शन जो है, सेक रेशियो जो है वो क्या होगा, सो सेक थीटा जो है वो जैसे कॉसेक जो है वो साइन का क्या है, रेसिप्रोकल, वैसे ही सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का. ओके, सो कॉस जो है ये क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन hypotenuse divided by adjacent side. Okay, hypotenuse divided by adjacent side. So hypotenuse जो है वो इसमें क्या है, AC,
तो इसके लिए अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें मिलेगा AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज AB, ओके, एडजेसेंट साइड इज AB, सो दिस वन इज ओके, कितने हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 6, ओके, सो इसमें से चार हमने देख लिए. नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है 10, और इसके लिए फुल फॉर्म जो है वो है टेंजेंट, ओके, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल थीटा. सो टेन थीटा जो है वो इसका क्या है, अब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो हमें कैसे मिलेगी, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, ओके, सो टेन इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा के लिए हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो हमें कैसे मिलेगी, ऑपोजिट इज बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज ए बी, ओके, सो यहां पे लेते हैं ऑपोजिट साइड जो है वो कौन सी होगी, बी सी डिवाइडेड बाय AB, ओके, सो ये tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई. यहां पे जैसे साइन का रेसिप्रोकल है cosec, cos का रेसिप्रोकल है sec, वैसे ही tan का रेसिप्रोकल जो है वो है cot थीटा. सो cot थीटा जो है वो क्या होगा, यहां पे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड. सो एडजेसेंट साइड जो है वो थीटा के लिए कौन सी है, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है AB, और इसके लिए ऑपोजिट साइड है BC, ओके, सो इट इज इक्वेशन फॉर cot थीटा. बट जैसे ही आप यहां पे थीटा की पोजीशन जो है वो चेंज कर दोगे कि C के पास लेके जाओगे, तो C के लिए आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एकदम अलग मिलेंगे. कैसे, तो C के लिए थीटा अगर ये लेते हैं तो साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट BC अपॉन हाइपोटेनस AC, जबकि C के लिए साइन फंक्शन जो है वो क्या होगा, इसके लिए ऑपोजिट साइड हो जाएगी AB और हाइपोटेनस रहेगा AC. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एंगल के लिए आपको पर्टिकुलर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे. ऐसे जितने भी एंगल्स आप ले रहे हो यहाँ पे, मतलब कोई भी एक राइट ट्राइंगल में अगर आप ये दोनों एंगल ले रहे हो तो दोनों के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको मिलेंगे, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो रिलेशन जो है, हमने यहां पे देखा कि साइन जो है और कॉसेक वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल. कॉस है और सेक ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल. और थर्ड पेयर जो है वो है टेन एंड कॉट, दैट आर आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो फर्स्ट देखते हैं कि अगर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, कि एक एक्स है तो दूसरे की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 1/x. एक y है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 1/y. तो मान लो कि एक x है और एक 1/x है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल्स जो है इसका मल्टीप्लीकेशन आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 1. x x विल बी कैंसल आउट, सो मल्टीप्लीकेशन विल बी 1. ओके, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन कॉसेक, सॉरी, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन एंड कॉसेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. तो हम इसके लिए ये नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1. इसका रीजन क्या है, कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और कोई भी दो रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 1. ये जो इक्वेशन है इस पे से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि साइन कॉसेक जो है इसको अगर हम डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा.
नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको सेम इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या होगा, साइन को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin θ। तो ये तीनों रिलेशन जो है वो किसके बीच हो गए, साइन एंड कॉसेक के बीच में। ये तीनों का यूज जो है वो आपको क्वेश्चन में करना होगा, तो तीनों मतलब मेथड से आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन एक बेसिक इक्वेशन याद रख लोगे तो बाकी के इक्वेशन तो उसमें से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो बेसिक कौन सा याद रखना है, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं, नेक्स्ट पेयर ऑफ रेसिप्रोकल इज कॉस एंड सेक। तो कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट टू विल बी 1। सो कॉस थीटा, सॉरी, सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। नेक्स्ट इसपे से हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec θ, और सेकेंड कंक्लूजन ये भी ले सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ। ओके, तो इसके लिए बेसिक इक्वेशन कौन सा याद रखना है, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थर्ड पेयर ऑफ रेसिप्रोकल इज, थर्ड पेयर लेते हैं, दैट इज tan थीटा एंड cot थीटा, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट रेसिप्रोकल्स विल बी 1। सो tan इंटू cot इज इक्वल टू 1। tan थीटा जो है इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं tan थीटा के फॉर्म में कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot θ, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot θ, एंड नेक्स्ट थिंग इज cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan θ। तो इसके लिए बेसिक इक्वेशन कौन सा याद रखना है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अगर आप मान लो कि sin थीटा जो है इसके लिए अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, ओके, या फिर क्यूब कर रहे हो, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे आगे जाके कि sin थीटा, ओके, sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप tan थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसको नोट कैसे करोगे, tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि इसको नोट कैसे करना है, और रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिक जो है वो आपको कौन से रिलेशन याद रखना है, साइन इंटू कॉसेक 1, tan इंटू cot 1, एंड sec इंटू cos इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बेसिक रिलेशन जो है वो याद रखना है आप। नेक्स्ट जो है दैट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन, आपने मोस्ट ऑफ जगह पे आपने सुना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो भी आप पढ़ा रहे हो इसका यूज क्या है। ओके, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज अगर आप देखो तो काफी फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। इसमें से हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिवर का व्यू है। ओके, यहाँ पे अगर आपको मान लो एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक ब्रिज जो है इसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है और तो आपको फर्स्ट थिंग क्या चाहिए, फर्स्ट मतलब पहले किनारे से लेके सेकंड सामने वाले किनारे के बीच का जो है वो डिस्टेंस आपको चाहिए। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये तो नहीं कर सकते कि मेजर टेप लेके यहाँ पे अंदर उतर गए, तो ये भी हो सकता है कि बाहर ही ना आए। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको डिस्टेंस अगर डायरेक्टली मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट जो है कोई भी एक किनारे पे आप पोल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि आपने कोई भी एक पोल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। ओके, ये पोल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर रहे हो तो इसकी हाइट जो है वो तो आपको पता होगी। ओके,
अगर इसकी हाइट आपको पता है ओके तो नेक्स्ट थिंग जो है आपको फाइंड क्या करना है कि ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपके पास हाइट अभी एक साइड की मिल गई है तो आप सेकेंड जो सामने वाला किनारा है इस पे से ये पोल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके लिए आप एंगल जो है मेजर कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये होगा कि ये एंगल डायरेक्टली कैसे मेजर हो सकता है, तो इसके लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का जनरली यूज होता है सिविल डिपार्टमेंट में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, दैट इज थियोडोलाइट। सो थियोडोलाइट जो है वो काम कैसे करता है, तो इसको आप मतलब ऐसे हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब हाथ में लेके भी मतलब आप मेजर कर सकते हो, और किसी मोस्टली जो है वो क्या करते हैं कि किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको रख के आप सामने कोई भी एक पॉइंट का एंगल जो है वो मेजर कर सकते हो। ओके तो इसका यूज करके सामने की सरफेस से थियोडोलाइट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, पोल के लिए एंगल जो है वो मेजर कर सकते हो। अभी आपके पास कौन सी चीज है, एक एंगल है आपके पास ऑपोजिट साइड जो है, ये एंगल अगर हम लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, तो ये थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी है, लेंथ ऑफ पोल। ओके तो लेंथ ऑफ पोल थीटा के लिए क्या होगा ऑपोजिट साइड, क्योंकि अगर पोल जो है वो ऑलवेज जमीन के साथ कितने डिग्री पे होगा 90 डिग्री पे, तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, राइट ट्राइंगल। तो थीटा के लिए ये राइट ट्राइंगल में पोल की लेंथ जो है वो क्या होगी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड की वैल्यू है थीटा की वैल्यू है, आपको फाइंड कौन सी साइड करनी है, ये साइड। अगर नोटेशन दे देते हैं यहां पे ए बी एंड सी, ओके तो आपके पास ए बी की लेंथ है थीटा है, फाइंड क्या करना है बी सी की लेंथ, बी सी जो है वो थीटा के लिए क्या होगा एडजेसेंट साइड। तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करना है जिसमें रिलेशन जो है वो एंगल ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के बीच में हो। तो याद करो ऐसा कौन सा फंक्शन है, दैट इज टेन थीटा और कॉट थीटा। तो अगर आप यूज कर रहे हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा के लिए टेन जो है वो हमें क्या मिलेगा ऑपोजिट साइड ए बी, ऑपोजिट साइड ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बी सी। तो कोई भी थीटा के लिए आपको टेन की वैल्यू जो है वो कैसे मिलेगी, ये लॉग टेबल जो है इसमें से भी आपको मिल सकती है, और स्पेशल केसेस जो है थीटा की स्पेशल वैल्यूज जो है 0, 30, 45, 60, 90, ये हर एक स्पेशल केस के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो प्रीडिफाइंड है, मतलब कि वो जो है वो हम ये चैप्टर में आगे देखेंगे। तो थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ए बी, हाइट ऑफ पोल हमारे पास है, फाइंड क्या करना है बी सी। तो अगर ये इक्वेशन में हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू है ए बी की वैल्यू है, तो सिर्फ ए की अननोन रहा दैट इज बी सी, तो वो हम इक्वेशन सॉल्व करके बी सी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके तो ऐसी काफी रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की है। ओके तो तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चंस जो है वो फास्टेस्ट मेथड से कैसे सॉल्व हो सकते हैं ये भी हम देखेंगे। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हुए हो। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर फिजिकल लेक्चर्स यू कैन ज्वाइन अस एट अद्वैत विद्यानिकेतन भरूच गुजरात, एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है so you can enjoy the online videos. Okay, so stay tuned, stay happy, thank you, Jai Bharat.